केंद्र लेवल की इलेक्शन कमीशन की बात है, मैं तो रोहतक से विधानसभा का विधायक चुना गया हूँ। आप रोहतक के बारे में कोई पूछना चाहते हैं? पूछ रहे हैं, नहीं ठीक है, मैं आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से तीसरी बार विधायक बना हूँ, तो इस बात के लिए आपका एहसानमंद भी हूँ, आपका धन्यवाद भी देता हूँ, रोहतक की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। पर मेरा मेन मकसद रोहतक के विकास का है, क्योंकि रोहतक के लोगों ने मुझे चुना है, तीसरी बार चुना है, तो मैं रोहतक के लोगों को निराश नहीं करूँगा। ऐसे है कि थोड़ा सा भाजपा का मिथ्या और दुष्प्रचार भी, जैसे हमारे को कहते थे पिछली बार के संविधान का आपने क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई उसका एनालिसिस होने के बाद ही कोई फैसले होते हैं अबाउट द एससी रिजर्वेशन, तो उसके आज तक फिर क्यों नहीं, सरकार ने भी फिर उस जजमेंट को अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, क्यों भ्रामक? आफ्टरऑल एक रिजर्वेशन में पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसी टाइम कहा था कि देयर कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ डिफरेंट वर्डिक्ट। उस डिफरेंट वर्डिक्ट के बाद आप उसकी एनालिसिस तो करेंगे कि एससी में कौन कौन सी कास्टें आती हैं, कैसे कास्ट आती हैं, कौन है, किस तरह से उसको रेखांतित करना चाहिए, ये कुछ है, उसके लिए समय लगेगा, ये सरकार भी कमेटी बनाएगी। पर इस सरकार ने दुष्प्रचार इस बात के लिए किया कि आप लोगों को ये अधिकार नहीं देंगे या कुछ है, तो इस तरह का मिथ्या प्रचार किया गया। नहीं, साथ में थोड़ा सा जो प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, उसमें कास्ट पोलराइजेशन इंडियन पॉलिटी के अंदर एक बड़ा आने वाले समय राजनीति में कोई अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि हम सब छत्तीस बरादरी इकट्ठे रहते हैं, सब कुछ है, एक भावना होती है, सब कुछ होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ चलने की बजाय हम थोड़े टाइम के लिए कास्ट फैक्टर में घुस जाते हैं, पर हम उनके परिणाम जो बाद में भुगतने पड़ते हैं उनके बारे में सोचते नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब शैलजा जी हमारी बहुत सम्मानित नेता है, एंड सीजन लीडर, वो एमपी भी रही है, मिनिस्टर भी रही है, जनरल सेक्रेटरी भी रही है। एक कोई बेवकूफ और बदतमीज आदमी कोई ऐसी पोस्ट डाल देता है और उसको व्हाट्सएप मीडिया जो है, सोशल मीडिया भाजपा का इस हथकंडे हथियार को अपनाता है, उसको ये नहीं होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी अब प्रजातंत्र में रुकावट, गिरावट आ रही है कि इस बात को तो बल्कि हम लोगों को कंडेम करना चाहिए, प्रत्येक पार्टी को कंडेम करना चाहिए कि किसी के बारे में ऐसे बोलना गलत है, पर उसी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उसी कोई भाजपा और उसी कोई खट्टर साहब भी ऑफर देने लगे जी हमारी पार्टी में आ जाओ या कुछ है, बल्कि उन्होंने कहना चाहिए था कि जिस आदमी ने इस पोस्ट को डाला है उसको मैं कंडम करता हूँ। ये असली विचार तो यही है, आरएसएस की विचारधारा तो ये बात सिखाती है, ना कि उलट सिखाती। इसमें भ्रमित करने वाली क्या बात है? कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है। He is our leader and people wanted that he should become a chief minister. इसमें भ्रमित करने वाली क्या बात है? इसी ना भ्रमित करने वाली कोई नहीं। उनसे उनसे पूछो किस बात के लिए भ्रमित किया है, वो तो खुद ही भ्रमित थे। अब मैं बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर मैं कहीं कोई कटुता नहीं लाना चाहता। मुझे रोहतक का विकास चाहिए, मुझे रोहतक के लोगों का विकास चाहिए, रोहतक की ज्वलंत समस्या का विकास चाहिए, ना कि छोटे आरोप प्रत्यारोप चाहिए। मुझे मैं प्रत्यारोप में नहीं, मैं प्रत्यारोप के बारे में कोई वर्णन नहीं करना चाहता। मुझे रोहतक का विकास चाहिए, उसमें वो कॉपरेट करेंगे तो उनका धन्यवाद करूँगा।